सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे ही होंगे। बच्चों, अपना वर्क स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ दिनांक लिखेंगे। आज दिनांक है 3 नवंबर 2020। हम यहाँ पर गृह कार्य लिखेंगे। उसके बाद देखिए, आज हम सीखेंगे स व्यंजन, स श से षटकोण, स से षटकोण। देखिए ये है षटकोण। तो हम आज लिखना सीखेंगे व्यंजन श्या। व्यंजन सा बनाने के लिए हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले जैसे हम पसे पतंग बनाते हैं ना, सेम वही हमें बनाना है। सबसे पहले हम बनाएंगे पसे पतंग, ऐसे करेंगे और फिर बिंदु से बिंदु मिला के लाइन खींच देंगे और बीच में से यहाँ से ऊपर से यहाँ से देखिए यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इससे टच कर देंगे। ऐसे बन गया स से षटकोण। फिर से देखिए, हमने पा पतंग बनाया, लाइन खींची, बीच में से एक लाइन खींच दी, गोल घुमाते हुए बिंदु से टच किया, बिंदु से बिंदु मिलाकर लाइन खींची और फिर बीच में से एक लाइन खींच दी, बन गया हमारा षटकोण। ओके, तो स अक्षर हमें ऐसे ये हिंदी की नोटबुक में लिखना है। बच्चों, दूसरा वर्क है आज हमारा बुक वर्क। बुक में भी आपको स षटकोण ही लिखना है। सबसे पहले आपको ट्रेसिंग करनी है। ट्रेसिंग आप करने के बाद आपको फिर यहाँ पर लिखना है डॉट्स पर। देखिए, स षटकोण, स षटकोण, बिंदु से बिंदु मिला के लाइन खींची, स षटकोण, स षटकोण, स षटकोण। इस तरीके से आपको ये वर्क आपकी हिंदी की बुक में करना है। ओके बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।